मैं आपको हमेशा जीएस याद करने का एक फॉर्मूला बताता हूँ और आज फिर से बताता हूँ। और ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चे, देखो ये पेड फॉर्मूला हो सकता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसको। जीएस ये कहती है कि इसमें जीएस को याद करने में मैं हमेशा बताता हूँ, शायद यूट्यूब पर मैं पहली बार आज इसको बता रहा हूँ और मैं आपको एप्लीकेशन पर कई बार बता चुका हूँ। स्कैन थेरेपी। स्कैन थेरेपी क्या होती है कि आप जब किसी चीज को पढ़ें तो पढ़ें तो हमेशा एक तो होती है कैसी मेमोरी, एक मेमोरी होती है आपकी प्यारे बच्चे फिजिकल मेमोरी जो टंग की होती है। किसकी? टंग की। जैसे आपको प्यारे बच्चे बहुत सारे लोगों ने बताया, जीभ जिसको बोलते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि शांति से पढ़ो एकदम मन से, नहीं एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। आप चीजों को थोड़ा बोल के पढ़ें, शोर ना करें, लाइब्रेरी में तो नहीं बोल सकते, शोर ना करें, थोड़ा सा बोलें, बहुत धीमा सा बोलें। इससे क्या होता है कि जो हमारी फिजिकल मेमोरीज होती हैं वो स्थायी होती है। स्थायी से मतलब कैसे है? अध्यापक बोल करके पढ़ाते हैं इसलिए उनको चीजें कंठस्थ हो जाती हैं। आप भी किसी टीचर के बराबर ही पढ़ते हैं, हालांकि मैं बोलूं तो आप किसी टीचर से ज्यादा कई बार पढ़ लेते होंगे चीजों को, लेकिन आपको चीजें बहुत लंबे समय तक याद नहीं रह पाती। तो पहली चीज तो ये कि हमेशा कैसे फिजिकल, और दूसरा जब आप चीज को पढ़ लें, पूरे पेज को पढ़ लें, आंखें बंद करें एक बार और एक बार बोलें आपने पढ़ा। अब जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले नंबर पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, चौरसिया लिखा हुआ है, फिर पन्नालाल घोष लिखे हुए हैं, फिर वी कुंजमणि लिखी हुई है, फिर एस नीला लिखी हुई है, क्या बोलोगे, एस नीला लिखी हुई है, फिर राजेंद्र प्रसन्ना और उनके बाद में कुलकर्णी जी लिखी हुई है। बहुत ध्यान से फोकस होकर के स्कैन थेरेपी का इस्तेमाल करें आप, बहुत जबरदस्त, क्या बोलोगे, बोलो भी फटाफट से, बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट।